हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे आई वेलकम यू ऑल ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन लर्न एनी टाइम लर्न एनी वेयर के मोटो के साथ तो आप हैं अवेकन ब्रेन्स पे और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया जो है उसके एम तो एम इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और आपको रिवीजन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और इन एम से थोड़ी बहुत मदद आपको मिल सके इसलिए मैं ये पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के एम आपके लिए लाया हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे लगेंगे और आपको इससे हेल्प होगी तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ इंडिया लाइज इन देमिसफेयर ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन है इंडियन सोवरेनिटी इज इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश डैश नॉटिकल माइल्स तो ऑप्शन सी सही है ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स जो है हमारी रेंज है नेक्स्ट क्वेश्चन uh, की तरफ चलते हैं द हाइस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इन इज इन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर सिक्किम या आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो uh, वो रहेगा पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन तो आंसर आंसर है इसका ऑप्शन बी साउथ अंडमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज दी इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाउन्स डज द एल एम टी लोकल मेरिडियन टाइम शोज द ग्रेटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो ये टाउन है कोहिमा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फोल्ड माउंटेन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लाइज इन दी सतलुज वैली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर शिपकी ला पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अनुपूर्णा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन हैज मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हरियाणा तो कल ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है शॉर्ट वीडियो की इंडियन फॉरेस्ट सर्वे कवर जो है वो रिपोर्ट आई है तो उसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एंड से कोई भी वीडियो अपलोड होती है जो वो आपको मिले इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट भी करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो द न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स फाउंड इन द गंगेटिक प्लेन्स आर नाउन एज तो खदर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर द हिमालय आर जनरली डिवाइडेड इंटू थ्री रेंजेज विच डो नॉट इंक्लूड ये ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर काराकोरम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो भूटान जो है वो सराउंड करता है हमारी इंडियन स्टेट्स आ, को तो वो कौन कौन सी स्टेट है आसाम अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल और सिक्किम ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर और प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के जो भी टॉपिक या एमसीक्यूज़ आप देख रहे हैं या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो एटलस को ज़रूर साथ रख के पढ़िएगा उस पर ज़रूर लोकेट करिएगा स्टेट्स हो टाउन्स हो ये स्टेट्स हो या कोई भी ये जो कंट्री हो उसको एटलस की मदद से ज़रूर पढ़ें ताकि आपको और ज़्यादा इंसाइट मिले गहरे तरीके से आपको टॉपिक पे जो है पकड़ बने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टोडाज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नीलगिरी हिल्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है ये तीन स्टेटमेंट असम शेयर करता है बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर भूटान और नेपाल के साथ मिजोरम शेयर करता है बॉर्डर अपना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं प्लीज रेफर टू एटल्स एटलेस पर जरूर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ़ फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया तो ये ऑप्शन रहेगा वन टू फोर एंड थ्री पहले सिक्किम बनी उसके बाद मिजोरम बनी थी उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बनी थी और लास्ट पर गोवा बनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉलनो फाउंड तो एक्टिव वॉल्केनो आज की डेट में कहाँ पर फाउंड होता है वो कौन से आइलैंड में है बैरन आइलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द खसीज एंड जनतिया जनतिया हिल्स आर लोकेटेड इन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर मेघालय विच ऑफ़ द फॉलोइंग हिमालयन पासिस आर री ओपन अराउंड इन द मिडल ऑफ द ईयर टू थाउजेंड सिक्स टू फेसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो ये है नथुला पास अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी वीडियो अपलोड होती वो आपको ज़रूर मिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एज वन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आएगा इंसान तो पहला कौन सा कौन सी जगह आएगी वो आएगी मुर्शिदाबाद ये क्रोनोलॉजी जो इनने दी है ये करेक्ट ही है ऑप्शन में भी और आंसर में भी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है और ऊपर भी ऑप्शन एज इट इज़ रहेगा मुर्शिदाबाद गोरखपुर भोपाल एंड भावनगर इनको लोकेट ज़रूर करना एटलेस पे ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि ये कहाँ पे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट गुजरात झारखंड असम और मिजोरम इसमें से कौन सी स्टेट नहीं आएगी तो ऑप्शन थ्री जो है असम इसमें नहीं आती तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन टू एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हायर ग्राउंड इज नॉट पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटिव तो ये अरावली है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और नीचे दिए हुए सिक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में जोग्राफिकल साइज के हिसाब से क्या आंसर रहेगा ये ऑप्शन बी सही है झारखंड फिर वेस्ट बंगाल फिर तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ मैंने बार बार रिक्वेस्ट की आप सबसे प्लीज़ इन एम के साथ साथ एटलस को भी ज़रूर नज़र मारें तो ये थे आज के एम रिलेटेड टू द टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आई थैंक यू ऑल टू कि आपने थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप सबका अवेकन ब्रेंस पे मैं फिर से आ, थैंक्स करता हूँ लर्न एनी टाइम लर्न एनी वेयर के मोटो के साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक like, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करना थैंक यू फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेंस लर्न एनी टाइम लर्न एनी वेयर डू लाइक शेयर एंड कमेंट स्टे ब्लेस्ड और स्टे सेफ़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स थैंक यू फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेंस God bless you all.